हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो चैप्टर लेकर आया हूँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लॉन्ग, एंड इवन इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट मेमोरेबल चैप्टर ऑफ योर लाइफ। अगर आपने पहले से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन अगर इस कहानी की बात करें तो इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कैप्टन गोर्डन कुक और उनके जो पार्टनर है एलायन ईस्ट, जो लिखने वाले हैं। लेकिन बेसिकली स्टोरी उनके ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने इस सारी सिचुएशन को फेस किया है। और अब इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी की कंप्लीट डिटेल बताऊं, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो कैरेक्टर्स की बने। गोर्डन कुक हैं, जिनकी एज 37 ईयर्स है, उनकी वाइफ मैरी है, और उनका जो बेटा है और बेटी दोनों ही जस्ट एज उनकी, देखिए जोनाथन सन है 6 ईयर्स, और सुजैन जिसकी एज है ओनली 7 ईयर्स। नाउ वी हैव टू सी व्हाट कम्स टू देयर माइंड कि उन्होंने इतनी बड़ी एक, जो कहते हैं ना कि मानते हैं कि एडवेंचरस लोग होते हैं, लेकिन इन्होंने जो किया वो एक्चुअली क्या था, राउंड द वर्ल्ड वॉइस डुप्लीकेट करने की कोशिश की। डुप्लीकेट का मतलब क्या था, कॉपी करना भी। चलो ठीक है, हम भी करके देखते हैं क्या होता, हमसे ये हो जाए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट था कि इनकी लाइफ जो है बहुत बड़े खतरे में आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, इन द वेरी बिगनिंग हमें बताया जाता है कि जुलाई 1976 का टाइम है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है। ये अपने ही बारे में अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जिसकी एज 6 ईयर्स है, और मेरी बेटी सुजेन जिसकी एज 7 ईयर्स है, हमने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपना जो शिप जिसका नाम है वीवोकर, वो भी ये बताएंगे, वो स्टार्ट किया टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉइस, यानी पूरे वर्ल्ड की हमने यात्रा करनी थी। और जो इससे पहले 200 साल पहले हम कहें जिन्होंने यानी पूरी की थी, वो थे कैप्टन जेम्स कुक। और काफ़ी लंबे टाइम से मैं और मेरी वाइफ जो हैं, मैं जैसे कि एक बिजनेसमैन हूँ 37 ईयर्स ओल्ड, जैसे ऑलरेडी मैंने एज भी यहाँ मेंशन की हुई है, और मेरी ये जो है एक विश थी कि मैं राउंड द वर्ल्ड वॉयज करूँ। इसके लिए काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स, और वो भी लेजर टाइम, जो भी हमारा फ्री टाइम होता था। एंड इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है ऑनिंग, HONING। ऑनिंग का मतलब क्या होता है, अपने आप को, अपनी स्किल को बेटर करना, शार्प करना। ऑनिंग सी फियरिंग स्किल्स, और वो भी कहाँ पर, ब्रिटिश वाटर्स में, यानी जो ब्रिटिश एरिया के आसपास के सी हैं वहाँ पर। इसके लिए इन्होंने एक स्पेशली देखें तो एक बोट बनाई जिसका नाम था वेव वॉकर। अब वेव वॉकर को हम नहीं भूल सकते, बिकॉज दिस इज द बेसिकली जो इनके शिप का नाम है उसे हम कहेंगे वेव वॉकर। और ये वेव वॉकर जो है, इन्होंने, जो मैंने आपको बताया कि 16 साल का जो टाइम लिया, उसी टाइम पीरियड के दौरान इसको इन्होंने रेडी किया। इसकी डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, ये आपको क्वेश्चन भी आ जाता है, 23 मीटर ओवरऑल इसकी लेंथ है, विड्थ है, 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, नहीं पूरा वुड से बना हुआ, बहुत बढ़िया, और प्रोफेशनली इसको तैयार किया गया है। और हमने इसको बनाने में काफ़ी सालों साल का वक्त लिया, ऐसा नहीं कि ये मिनटों मिनट जो है रातों रात बन गया, और नहीं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको रफ़ से रफ़ वेदर के अंदर हमने टेस्ट भी किया, उसके बाद हम इसको जो है अपने मेन पर्पज़ के लिए लेकर गए थे। जो और इनका जो फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी है, टोटल अगर देखें तो उसमें 3 साल का टाइम इन्होंने सोचा था कि हमें लगने वाला है, तो 1,05,000 किलोमीटर, यानी 5,000 किलोमीटर का जो टाइम पीरियड था, तो बहुत अच्छे से निकल गया, तो इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। कहते हम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे अफ्रीका का में आपने देखा होगा, इसके अंदर एक्चुअली भी एक पूरा मैप की वन है, केप टाउन की तरफ जो है उस तरफ हम बढ़ गए, चलो ठीक है। तो और वहाँ से हमें जाना था एक्चुअली में ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ, और हमने अपने साथ ले लिए क्रूमैन, यहाँ पर ऑलरेडी उनके नाम मेंशन है। क्रूमैन क्या होते हैं, ये लोग एक्चुअल में एक्सपर्ट होते हैं, एक अमेरिकन है जिनका नाम है लैरी विचल, और दूसरे हैं स्विस, यानी स्विट्जरलैंड के हैं, जिनका नाम है हर्ब सीजलर, और इनको साथ में हमने ले लिया, बिकॉज हमें ये था कि शायद इनकी हेल्प की ज़रूरत हमें किसी भी टाइम पड़ सकती है। और अमेरिकन लैरी विजल और दूसरे हैं स्विस हर्ब सीजलर, ताकि हमारी जो है ये रफेस्ट जो सी है दुनिया का एक, जिसका नाम है सदर्न इंडियन ओशन, वहाँ ये कम से कम हमारी हेल्प करेंगे। अब कहते हैं हमारा जब अब निकले हैं यहाँ से, तो सेकेंड डे जब हुआ केप टाउन से निकलने के बाद, तो हमें स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं, बड़ी तेज़ हवाएं सामने आने लगी। इसका मतलब क्या है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो लगातार ब्लो कर रही थी, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। अब जैसे आप भी देखें कि आपकी नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है कि हर टाइम ना तो यहाँ पर सनलाइट होती है, ना ही यहाँ पर हवा चलती है, ना ही यहाँ पर सर्दी होती है, तो वेदर तो रोटेट करता है, चलता रहता है, इसमें सब कुछ वेदर के अंदर रोटेशन रहता है ऑल वेदर्स का।
तो कहते हैं, लेकिन जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या थी कि हवा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो वेव्स का साइज है वो बढ़ना शुरू हो गया, अप टू 15 मीटर्स, जितना हमारा मेन मास्ट है। मास्ट क्या होता है, ये वुड का एक टॉल या मेटल का बना हुआ एक पोल होता है जिसके ऊपर हम शिप का सेल जो है यानी कपड़ा सा टाई कर देते हैं ताकि वो डायरेक्शन को चेंज करने में थोड़ा हेल्प करता है। फिर अपडेट आती है दिसंबर 25, इसका मतलब क्या है कि ये दिसंबर तक पहुंच चुके हैं। जर्नी कब स्टार्ट की थी इन्होंने, जुलाई में, तो अब कहाँ पहुंच चुके हैं, दिसंबर में। इसका मतलब क्या है, दिसंबर 25 के बाद अब यहाँ पर इनकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज होनी स्टार्ट हुई। और इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या है, जैसे 35,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस इन्होंने अब तक कवर किया है ईस्ट ऑफ केप टाउन। और कहते हैं चाहे वेदर बहुत ख़राब है तो वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, यानी क्रिसमस तो इन्होंने जो है सेलिब्रेट कर लिया बड़े आराम से। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था तो नए साल का वक्त भी शुरू हुआ, लेकिन उससे कोई वेदर बेटर नहीं हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा और ख़राब ही हो जाता है। और जनवरी 2 की बात करें, जो वेव्स हैं वो जाइगेंटिक है। जाइगेंटिक का मतलब क्या था, बहुत बड़े साइज की हैं। और वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिब क्या होती है, जो लार्ज सेल होता है उसके सामने लगा दी जाती है स्टॉर्म से थोड़ी सी प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पर 8 नोट्स भी वर्ड यूज़ किए गए हैं। नोट्स एक्चुअल में क्या होती हैं, ये सेफ्टी के लिए होते हैं, जैसे रॉप्स होती हैं उनके नोट बना लिए जाती हैं। तो कहते हैं हमने जितनी प्रोटेक्शन कर सकते थे वो हमने कर रखी थी। एज द शिप रोज टू दैट टॉप ऑफ ईच वेव, उसका रिजल्ट क्या था, जैसे जैसे लहरों के ऊपर से शिप हमारा जा रहा है तो बड़ी बड़ी लहरें जैसे हमारे शिप के ऊपर ही आ रही है। मीन्स वी वर ट्राइंग टू अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लहरें हमारे ही शिप के ऊपर आ रही हैं। और कहते हैं जो हवा और जो पानी की आवाज़ है वो तो बहुत पेनफुल थी, क्यों, आपने कभी मूवीज़ में भी देखा होगा। फिर हमने बोट को थोड़ा सा स्लो करने के लिए क्या किया, जो अपनी स्टॉर्म जिब है यानी जो एक छोटा मास्ट हमने लगा रखा है, वो कपड़ा जिसकी बात करते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वो उतार दिया। और साथ में एक मूरिंग रोप जो होती है वो टाई कर ली। किस लिए टाई कर ली, ताकि जो वहाँ पर बैलेंस है वो थोड़ा सा बनाया जा सके पीछे हिस्से के साथ। स्टर्न क्या होता है, जो रियर पार्ट होता है शिप के साथ, उसके साथ टाई कर दी। अब सिंपल सी बात है, कहते हैं डबल लैश कर दिया सब कुछ अपने आप, तो कोशिश कर ली भी हर एक चीज़ डबल डबल डबल, किस लिए, ताकि अपने आप को बचा सकें। लेकिन जो कहते हैं इनकी जो लाइफ लाइन्स हैं, ऑयल स्किन्स क्या होती हैं, जो वाटर प्रूफ क्लोथ होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं गारमेंट्स की, और लाइफ जैकेट्स, ये सब कुछ अपने रेडी हैं और वेट करने लगे। अब कहते हैं शाम को 6 बजे, जैसे हम बात करें 2 जैन की, शाम को 6 बजे कहते हैं एक ओमिनस साइलेंस। ओमिनस क्या होता है, जो कोई ना कोई ऐसी ट्रेजिक इंसिडेंट की एक निशानी देता है। कहते हैं वो एक साइलेंस ऐसा जो नज़र आया वो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि वाकई अब कुछ अनहोनी होने वाली है, और एक्चुअल में ये अनहोनी हो ही गई। कहते हैं वो हमने कभी इसे पहले इमेजिन ही नहीं किया था कि इतना भयानक भी हो सकता है, और ये एक्चुअल में हुआ ऐसा। फिर इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल, यानी एक्चुअल में दूर से तो लग रहा था कि जैसे क्लाउड्स, लेकिन पास आकर देखा तो क्या था, बड़ी बड़ी लहरें। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही बिल्कुल शिप को टकराई तो कुछ हिस्से इसके जो हैं वो क्रैक हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स शिप कितना जो है टॉलरेट कर पाता। और फिर कहते कहते हैं जितने ही इसका जो डेक है, डेक होता है ऊपरी पार्ट होता है शिप का, वो टूट चुका था, और उसके वजह से जो है पानी अंदर आना स्टार्ट हो गया। और कहते मैं भी जो है शिप से दूर कहीं पानी में गिर जाता हूँ, तो इसका मतलब वेव वॉकर अब मुझसे दूर है, और मुझे लगा कि मेरी डेथ समझो होने वाली है। जैसे ही जो है मैं अपनी अनकॉन्शियस हो रहा था, बेहोश हो रहा था, मुझे लगा कि चलो अब जो होगा तो लेट्स सी, अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं। तो अनएक्सपेक्टेडली मेरा जो सिर पानी से बाहर आता है, और उसके बाद वेव वॉकर जो मैंने देखा दूर डूब रहा था, तो उससे जो जो उसके जो मास्ट है ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गए थे। मास्ट क्या होता है, जो ऐसे पोल सीधा खड़ा था वो ऐसे लेट चुका था, फिर एक बड़ी सी लेयर आती है उसको पुश करती है और वो फिर से सीधा हो जाता है, समहाउ वेव वॉकर फिर से सीधा हो जाता है। तो ये वो टाइम पीरियड था जब इसको अब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और कहता है कि मेरी जो ऐसा इसने पानी ने फेंका जैसे कि रैग डोल होती है, जैसे गुड्डा गुड्डिया नहीं होती छोटी छोटी जो कपड़े की बनी हुई थी है। और इसके अलावा जो मेरी लेफ्ट रिब्स हैं, अब रिब्स इनको बोलते हैं, ये हमारी जो स्ट्रक्चर होता है बोन्स का, कहते हैं मेरी लेफ्ट पार्ट की जो रिब्स हैं वो क्रैक हो चुकी थी, मेरे मुंह में ब्लड आ चुका था और टीथ मेरे टूट चुके थे। समहाउ
मुझे व्हील मिल जाता है और किसी तरह मैं अपने शिप तक पहुंच जाता हूं, लेकिन हर जगह पानी ही पानी मुझे नज़र आ रहा है। तो आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे फील हुआ कि पानी जो है कहीं ना कहीं है शिप के अंदर। तो मैं अपने व्हील को तो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि व्हील को बैलेंस करना भी ज़रूरी था। और सडनली एकदम से डोर ओपन होता है, तो सामने मेरी वाइफ नज़र आती है मेरी, और वो क्या बोलती है कि वी आर सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब क्या होता है कि हम पानी में डूब रही हैं। वो चिल्लाती है, क्या बोलती है, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब वो कहता है कि देखो मैं यही कर सकता हूँ कि ठीक है मुझे पता है हम डूब रहे हैं, तुम व्हील को पकड़ो, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ सोल्यूशन इसका निकलता है। और कहते फिर मुझे हर जगह क्या नज़र आ रहा है, मैं देख रहा हूँ लैरी और हर्च जो है वो भी पंपिंग कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, इनके पास पंप भी होते हैं कि अगर पानी किसी तरह शिप के अंदर आ जाता है तो उसको निकालने का क्या सोल्यूशन किया जाए। वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, और इधर देखूँ मैं अगर तो हर जगह लकड़ी के टुकड़े टुकड़े, इसके अलावा क्लॉथ्स है, क्रोकरी है, चार्ट्स है, टिन्स एंड टॉयज, सब कुछ पानी में बह रहा है। तो मीन्स मैं किसी तरह स्वैम करके जो है बच्चों के कैबिन तक पहुँचता हूँ। पूछता हूँ उसे, आर यू ऑल राइट? वो कहते हैं ये सब ठीक है बिल्कुल। एक जैसे बंक को क्या होते हैं, एक बेड के ऊपर बेड लगा होता है, तो कहते हैं अपर बंक, बंक से आवाज आती है। बट वो कहते हैं कि हाँ मेरे जो सीयू ने बोला, जो इसकी जो बेटी है, कि मेरे हेड में थोड़ी सी स्वेलिंग है, हर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। वो कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे ना फिलहाल इस जो आईज़ के ऊपर भी एक बम्प हुआ हुआ है, ऐसे कैसे मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल अपने आप को बचाने का काम करना है थोड़ा सा, तो लेट्स सी। कहते मैं इन चीज़ों को तो इग्नोर कर रहा था, मैंने क्या देखा, एक हैमर और कुछ स्क्रू लिए और कैनवास। कैनवास क्या होता है, बड़ी जो तरपैल होती है लकड़ी, वो लकड़ी कह रहा हूँ, जो कपड़ा मोटा कपड़ा होता है, ताकि पानी जहाँ से आ रहा है उस एरिया को कवर किया जाए। एंड समहाउ कहते मैंने कुछ रिपेयर की, उससे पानी को रोकने में हेल्पफुल रहा। लेकिन जो पानी फिर भी कहीं से थोड़ा थोड़ा बह रहा था, लेकिन फिर भी जो है मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन थी कि जो पहले जिस तरीके से पानी अंदर आ रहा था तो वो अब रुक चुका था। फिर मेरे जो हैंड पंप्स हैं वो भी अब ब्लॉक करना शुरू हो गए, यानी उनका जो कारण क्या है कि जो डेब्रिस है, कूड़ा कचरा है, वो सब आ जाता है। इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जो वाटर लेवल फिर से अलार्मिंगली यानी चेतावनी दे रहा है कि बढ़ चुका है काफ़ी ज़्यादा। मैंने डेक पर क्या देखा कि टू स्पेयर हैंड पंप्स हैं, और किसी तरह वो जो हैं काम कर रहे हैं। एंड वो चलो ठीक है, समहाउ दे हेल्प अस, पानी जो इससे निकलना स्टार्ट हुआ। और लेकिन ये जो साइड की साइड में अगर देखें तो ये भी बिल्कुल बुरी तरह से इनकी हालत ख़राब थी हैंड पंप्स की। फिर इनके पास एक्चुअल में बचा क्या, देखो कहते कि एक हमारे पास फोर्स्टेज टेल है, एक जिब है, डिंजीज हैं, छोटी बोट होती हैं, और मेन एंकर है। फिर एक कहीं ना कहीं से, अगर वो ऊपर वाले पंप भी काम नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले भी ऑलरेडी खराब है, एक चार्ट रूम के अंदर कहते हैं एक इलेक्ट्रिक पंप था, चार्ट रूम फ्लोर के नीचे, जो जहाँ चार्ट लगा होता है, कहते उस फ्लोर के नीचे था। कहते मैं जो है समहाउ उसको आउट पाइप से कनेक्ट किया, और कहते हैं समहाउ इट वर्क, अब धीरे धीरे काम हो रहा है। तो नाइट चलती रही, और बड़ा रूटीन जो है ये मेरा ख़राब हो चुका था। क्यों? क्योंकि एक पल का भी आराम नहीं था किसी के पास भी। तो सीयू का जो हेड है वो बहुत स्वेल हो चुका था, स्वेल का मतलब उसमें सूजन आ चुकी थी। एंड शी हैड टू इनोमस ब्लैक आइज, उसकी ब्लैक आइज थी, और नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। तो कहते भी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहते देखो मैं इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि तुम पहले से ही बहुत परेशान थी, तो मैं अपनी इन इंजरीज के बारे में क्या बताती। अब ये तो पूरी की पूरी स्टोरी है 2 जैन को जो हुआ। 3 जैन को क्या होता है, कहते बाय द मॉर्निंग ऑन January 3 जो पंप्स हैं उन्होंने कुछ पानी को कंट्रोल कर दिया, वाटर लेवल जो है थोड़ा सा, और हम 2 घंटे का रेस्ट ले पाए। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीक था पानी का। और जो इसके बोट के मेन रिफ फ्रेम्स हैं वो स्मैश डाउन हो चुके थे टू द कील। कील का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल में क्या होता है, जो फ्रेम की बात करते हैं वो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, और कील का मतलब होता है जो बॉटम वाला हिस्सा होता है। मीन्स हर जगह शिप में डैमेज था, तो इसका मतलब पानी कहीं से भी आएगा शिप, एक जगह आप रोक लोगे दूसरी जगह से आ जाएगा पानी। तो कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो सिवाय, अगर देखी जो इसको शिप को कंट्रोल कर पा रहा था वो था सिर्फ किसी जो कबर्ड के पार्टीशंस हैं, वही चीज़ सॉलिड रह गई थी टिकी हुई, बाकी सब हिल चुका था पानी की वजह से। और कहते हम 15 घंटे तक किसी तरह सर्वाइव कर चुके थे, बट वेव वॉकर मुझे लग नहीं रहा था कि ज़्यादा टाइम तक हमें बचा पाएगा और हमें ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा। तो आई कहते मैंने अपने जो चेक किए चार्ट्स हैं और कैलकुलेट किया कि हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, कितने किलोमीटर का जो है चेंज कर सकते हैं इसकी तरफ, तो तभी जो है मुझे लगा कि एक ली एम्स्टर्डम, ये जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है नाम है इसका,
एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, कहता है अगर हम किसी तरह यहाँ पहुँच जाएंगे तो मुझे लगता है वैसे इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि 1,50,000 किलोमीटर का जो एरिया है टोटल सी का, उसमें 65 किलोमीटर के एक आइलैंड को ढूंढना, तो इट्स लाइक आप बहुत बड़े समंदर के अंदर एक पिन ढूंढ रहे हो, लाइक ऐसा काम हो जाता है। कहता है चलो ठीक है, फिर भी हमारे जो ऑक्सिलरी इंजन्स हैं वो भी सबके सब आउट ऑफ एक्शन थे, कुछ काम नहीं हो रहा था, तो जनवरी 4 पे आ जाते हैं। 36 आवर्स की कॉन्टिन्यूस पंपिंग के बाद हम कुछ ही सेंटीमीटर का पानी चलो रह गया था अंदर जो कहीं पे था, एंड नाउ वी हैड टू कीप पेस विद द वाटर। लेकिन पानी के साथ साथ जो है जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि शिप की जो मूवमेंट है वो उतनी फास्ट तो नहीं थी। चलो मानते हैं कि पानी का अंदर आना थोड़ा स्लो है, लेकिन शिप का मूवमेंट भी स्लो ही है, तो आगे भी भरना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं हम मेन मास का तो सेल नहीं लगा सकते थे। फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं और काफ़ी टाइम से हमने कुछ खाया भी नहीं है। मीन्स मेरी वाइफ को जो कॉर्न बीफ मिल जाता है, जैसे काऊ का मीट होता है, और कुछ क्रैकर बिस्किट्स मिल जाते हैं, और फर्स्ट मील ऑलमोस्ट इन 2 डेज। लेकिन हमारी जो रेस्पाइट है, रेस्पाइट क्या होता है, रेस्ट, कहते जो रेस्ट था ये अभी थोड़े शॉर्ट शॉर्ट लिव्ड ही था, ज़्यादा नहीं हुआ, क्यों 4 बजे जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो ब्लैक क्लाउड फिर से आने स्टार्ट हो गए, और हवा की स्पीड फिर से बढ़नी शुरू हो गई, और फिर से ऐसा लग रहा था जैसे लहरों का साइज अब बढ़ना शुरू हो चुका है। अब यही सब कुछ चलता रहा। फिर जनवरी 5 का वक्त था, तो आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और मैं जब कम्फर्ट करने जाता हूँ बच्चों के पास, तो जॉन ने पूछा कि क्या हम सबके सब लोग मरने वाले हैं, क्या हम बच नहीं पाएंगे। तो मैंने उनको कोशिश की बताने की कि बट डैडी वगैरह वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, और वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। जैसे कि इस चैप्टर का नाम कंप्लीट किया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर ऑल टुगेदर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम सब साथ हैं, मम्मी भी है, स्यू भी है, मैं भी हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं कहता है अब कोई मेरे पास वर्ड्स तो नहीं थे, लेकिन मुझे इस बात का ये था कि लास्ट मोमेंट तक अब मैं स्ट्रगल करने वाला था। और फिर मैंने जो है अपना एंकर लिया, हैवी नायलॉन रॉप ली, कुछ 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, कुछ है किसने जो भी, देखो इसकी जो प्रैक्टिस करते हैं पहले उसमें ड्रिल तो होती है इनकी, तो ये सब कुछ जानते थे। कहते हम लोग साथ बैठे हुए थे, वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द सेम थिंग्स। लेकिन फिर भी जनवरी 6 में आ जाते हैं, तो 6 में क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा लगा कि हवा ईज कर रही है, थोड़ा शांत हो रही है, और मैंने सेक्सेंट जैसे डायरेक्शन चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी चेक करने की कोशिश की, बट कुछ नहीं हुआ। जो फिर मुझे एक ही चीज़ याद आती है वो है 150 किलोमीटर में अगर एक 65 किलोमीटर के आइलैंड को ढूंढना है, तो अपनी जो इमेजिनेशन और साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है भी ये काम हो सकता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। इधर मैरी और ये जो आपस में बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे जो हैं उन्होंने ड्रोन कैरिकेचर्स जैसे मैरी ने दिखाए और वो उसमें वर्ड्स लिखे हुए थे, हेयर आर सम फनी पीपल। कैरिकेचर्स क्या होते हैं, जैसे कार्टून ड्रॉ कर लेते हैं, तो बच्चों ने पेंटिंग ड्रॉ की थी अपने फादर मदर को लेकर, अपने आप को लेकर, और क्या कहते हैं, डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड इट लॉट एज वेल, इनसाइड इज अ मैसेज, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसका मतलब क्या है कि वो बच्चे अभी भी अपनी होप नहीं छोड़ी है उन्होंने, वो सोचते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा एंड वी विल कम आउट ऑफ द सी। फिर कहते हैं समहाउ हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर से इसने अपनी कंपस या जो भी इसके पास मैग्नेटिक वेरिएशन जो है उनको करेक्ट करने की कोशिश की, और फिर वेस्टर्ली करंट्स को जज करने के बाद इसने कहा भी अगर हम कुछ पार्ट इधर से जाएंगे, यानी अबाउट 2 PM, कहते मैं डेक पे जाता हूँ और मैंने लैरी को बोला भी तुम जरा एक बार देखो 85 डिग्री की डायरेक्शन में शिप को घुमाओ, तो देखो ये इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत परफेक्ट रहती है। कहते इफ़ वी आर लकी, अगर हम लकी हैं तो शाम को 5 बजे तक हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तब विद अ हैवी हार्ट मैं नीचे जाता हूँ और मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाता हूँ, लेकिन शाम को जब 6 बजे उठता हूँ तो मैं देखा कोई अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, इसको था कि हमने शायद आइलैंड को मिस कर दिया। लेकिन तभी जो है जुनाथन आता है, वो कहता है कि फादर क्या मैं आपको हक दे सकता हूँ, तो वो कहता है कि अब बेटा क्या हो गया, कहते अब क्या ऐसे बात है, वो कहते कि यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन ऑल्सो। ये किसने बोला, बेटे ने बोला। वो द नॉट ओनली जॉन आई एम अफ्रेड वाई यू मस्ट बी सैड सीयू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, वो कहते हैं सीयू भी कहते हैं नहीं फादर दैट्स एब्सोल्युटली राइट, आप बेस्ट कैप्टन भी हैं, बेस्ट डैडी भी हैं, यू फाउंड द आइलैंड। वो कहते मैं तो हैरान हो जाता हूँ, कहते इन फ्रंट ऑफ अस, देखिए हमारे सामने बिल्कुल है, दे कोरस, कोरस का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही सिमिलर वॉइस में बोलते हैं एज बिग एज बैटल शिप।
और आई रेस्ट ऑन द डेक एंड गेज़ रिलीफ, और देखा वहाँ मुझे आउटलाइन नज़र आती है ले एम्स्टर्डम की, और कहते ब्लीक पीस ऑफ, वैसे तो देखा जाए कि वोल्केनिक रॉक का एक हिस्सा है ये, और यहाँ जो वेजिटेशन है बहुत कम है इसलिए, बट ब्यूटीफुल बहुत है, क्योंकि ब्यूटीफुल तो देखो कहेंगे भी, क्योंकि उस सिचुएशन में तो इनके लिए होप भी थी, और वैसे भी सुना है कि बहुत सुंदर है वो। कहते हम जो है ऑफशोर नाइट के लिए रुकते हैं थोड़ा सा किनारे से दूर, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो वहाँ के 28 इनहेबिटेंट्स हैं आइलैंड के, उन्होंने हमारा वेलकम किया। फिर से हमने देखा कि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन थी काफ़ी टाइम के बाद। सो मेरी थॉट्स जो हैं वो लैरी और हर्बी को लेकर थी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, जैसे उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर मुझे काफ़ी सहारा दिया, हौसला दिया। मेरी वाइफ को लेकर जो मेरे साथ हर अच्छे बुरे वक्त में रही उन क्रूशल आवर्स के अंदर, और सबसे बड़ी बात इस 7 ईयर ओल्ड गर्ल जिसने मुझे जो है टेंशन देने की ज़रूरत भी नहीं समझी, चाहे उसको हेड इंजरी हो चुकी थी, और एक 6 ईयर ओल्ड जो मेरा बच्चा है, जो सिर्फ और सिर्फ ये बात कहूँगा कि वो डरने मरने से भी नहीं डरता था, उसने बोला कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो दिस इज हाउ द स्टोरी कम्स टू एन एंड, बट आई थिंक दिस स्टोरी इज इनकम्प्लीट विदाउट द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन आई विल ब्रिंग फॉर यू टुमोरो। तो आप मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इससे पहले वाले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन की वीडियो का लिंक भी मिलेगा। प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।